हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेटिस्ट शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, जैसे कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, खुद की बॉडी को फिट बनाने के लिए वर्कआउट, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। वैसे ही कुछ बेसिक आई एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारी आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारी विजन को इम्प्रूव करती हैं, हमारी आईज को हेल्दी बनाए रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सी और बहुत इजी आई एक्सरसाइजेस जानने वाली हैं और कैसे आपको आई एक्सरसाइज करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। आप कोई भी आई एक्सरसाइज करते हो उसमें जो बेसिक चीजें हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो आज की इस वीडियो में जानने वाली हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आई एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, क्यों जरूरी होती है और कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। इससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले जो जानने वाली हैं वो है कि आई एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्यों होती है। जैसे कि हम फिजिकल अवेयरनेस फिर भी है, हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, बॉडी के लिए हम बहुत सारी जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट योगा करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी की सबसे प्रीसियस जो पार्ट है आईज, उसको भूल जाते हैं। आई अवेयरनेस इतनी कम है जिसकी वजह से जो ब्लाइंड रेशो है या फिर आईज की डिजीज है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी आईज को अपनी बॉडी की तरह ही बहुत ज्यादा उसकी केयर करें और उसका फिट बनाएं और उसे हेल्दी बनाएं। अगर आप रोजाना आई एक्सरसाइज करते हो तो इससे ना सिर्फ आपका विजन इम्प्रूव होता है बल्कि आपकी आईज हेल्दी रहती है। आई एक्सरसाइजेस में हमारी जो आई की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि अगर हमारी जो नंबर है मसल्स की वजह से नंबर होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि हमारा नंबर बढ़ने की एक रीजन नहीं होता, लेकिन अगर आपकी मसल्स, आई मसल वीक है, उसकी वजह से कोई पावर है या फिर उसकी वजह से आपको कोई आई इश्यू है, आई प्रॉब्लम है, तो वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपनी आई मसल्स पे वर्क करना, अपनी आई मसल्स को स्ट्रांग बनाना और अपनी आई मसल्स के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज और बहुत सिंपल एक्सरसाइज को फॉलो करना। तो जैसे कि अभी तक हमने जाना कि आई एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, अब हम जान लेते हैं कि आई एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं जो हम कर सकते हैं। 5 मिनट में ही आई की एक्सरसाइज हो जाती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आज की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो है ब्लिंकिंग एक्सरसाइज। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी आईज को ब्लिंक करना है, बार बार ब्लिंक कीजिए, क्लोज ओपन क्लोज ओपन, अपनी आईज को ब्लिंक करना है और आपको रिपीट करना है 1 to 5 टाइम। आपको 3 राउंड करनी है सारी एक्सरसाइज की। जैसे ब्लिंकिंग जो एक्सरसाइज है, आईज को ब्लिंक कीजिए 2 and 3, 1 2 3 ब्लिंक एक्सरसाइज करनी है। ब्लिंकिंग एक्सरसाइज से हमारा जो डिजिटल आई स्ट्रेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो है कन्वर्जन एक्सरसाइज। उसमें आपको एक पेन या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें आपको क्या करना है कि पेन को अपनी हैंड में होल्ड करना है और इसके बाद में आपको अपनी आईज को अपनी पेन की तरफ फोकस करना है
और अपनी पैम को स्लोली स्लोली फोकस करते हुए डिस्टेंस पे रखना है और आपको 3 सेकंड के लिए इस पैम को होल्ड करना है और अपनी आईज को पैम पर फोकस रखना है। इसके बाद में फिर आप अपनी पैम को अपनी आंखों के पास में लेके आइए और सेम चीज आपको रिपीट करनी है 3 टाइम तक। ये होती है कन्वर्जन एक्सरसाइज। इससे जो आपकी आई मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं और आपका विजन इम्प्रूव होता है। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है पामिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने दोनों हाथ लेने हैं और ऐसे अपनी हथेली को रब करना है अच्छे से रब कीजिए और फिर अपनी आईज के ऊपर ऐसे लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी आई मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो कभी भी आपको अपनी आईज में बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील हो तो आप ये पामिंग एक्सरसाइज करें और उससे तुरंत आपकी आई मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। इससे नेक्स्ट हम जिस आई एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं वो है नियर टू फार फोकस एक्सरसाइज। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले नजदीक के ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है और उसके बाद में डिस्टेंस में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट पर यानी कि जितना दूर आप देख सकते हैं वहां पर 1 सेकंड के लिए फोकस करना है। पहले नजदीक में और फिर डिस्टेंस में, नजदीक और फिर डिस्टेंस। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं जो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन इससे आपकी विजन इम्प्रूव होगा, आपकी आई मसल्स स्ट्रांग होंगी और आपको जो आई स्ट्रेन या फिर डिजिटल, जैसे आजकल हम डिजिटल डिवाइसेस ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो आई स्ट्रेन होता है उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपकी आईज हेल्दी रहेंगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये एक्सरसाइज रोजाना करनी है। अब हम जान लेते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले या फिर करने के बाद में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आई एक्सरसाइज के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको पेन होता है, आपकी मसल्स पेन करती हैं, सेम आपको होने वाला है आपकी आंखों में। जी हाँ, आप जब भी आईज की एक्सरसाइज करने वाले हो आपकी आईज में स्ट्रेन होगा, आपको पेन फील हो सकता है। हालांकि आई की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हमारी आई मसल्स भी बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट या फिर हमारी आई बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है, तो उसमें जब हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हेडेक भी हो सकता है। तो ये कॉमन है, इसको रिड्यूस करने के लिए आपको अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। आप जब भी आई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट ही फॉलो करनी है, अदरवाइज आपकी हेडेक इतना ज्यादा होगा कि आप बाद में आई एक्सरसाइज करना ही छोड़ देंगे। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है, इसके लिए आप रोजाना कैरेट का जूस या फिर मिल्क पीजिए और कुछ एलिमेंट्स ले सकते हैं। आपको अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान रखना है, पर्टिकुलर नहीं है कि आपको कैरेट ही खानी है, आप हेल्दी खाओ, उससे जितनी भी न्यूट्रिशन हमारी आंखों को रिक्वायर्ड रहेंगी वो सब मिल जाते हैं। तो जब भी आप जैसे बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं उस समय हम हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, सेम जब आप आई की एक्सरसाइज करने वाले हैं तो अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। तो आई एक्सरसाइज को रोजाना फॉलो करें और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें। बाकी आईज के लिए क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए उसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी दी हुई है, तो आप एक बार उसे देख लें, उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो हमारी Facebook पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें।
सो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो